दोस्तों, आप कोई भी फ़ोन बाय करते हो तो शुरू के 2-4 महीने तो एकदम मस्त चलता है, उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअल में फ़ोन कैसा चल रहा है। इसलिए मैं कुछ महीने यूज़ करता हूँ, उसके बाद वीडियो लाता हूँ ताकि असली सच आपको पता चल सके। और इस चीज़ के ऊपर बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं और बड़े यूट्यूबर तो बनाते ही नहीं हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, बट इस चीज़ को मैं आगे भी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको iQOO Z6 5G का फुल रिव्यू देने वाला हूँ और इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 3 महीने के आसपास हो गया है, और इन 3 महीने में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के साथ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस फोन में जो प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 695, ये ऑन पेपर स्नैपड्रैगन 768G से भी बेटर है कुछ चीजों में, लेकिन मैं ऑन पेपर विश्वास नहीं करता। प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है और इस फ़ोन का कैमरा कैसा है, गेमिंग के लिए ये फ़ोन कैसा है और डेली लाइफ में जो यूज़ होता है उसमें ये फ़ोन कैसा चल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। दोस्तों, बजट सेगमेंट का फ़ोन बाय करने के बाद आप चाहते हो कि आपका फ़ोन कम से कम 1.5 से 2 साल अच्छे से चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ महीने के बाद जो है फ़ोन स्लो हो जाता है, ऐप क्रैश होने लगता है, फ़ोन हैंग होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए पहले फ़ोन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक का है, बैक में किसी भी तरह का ग्लास नहीं दिया गया है, बट फ़ोन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इन हैंड फील में भी काफ़ी बेटर है। इसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मूथ में अल्ट्रा फ्रेम रेट तक का सपोर्ट दिया गया है और बैलेंस में भी आप अल्ट्रा पे खेल सकते हो, और घंटा 1.5 घंटा भी अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो भी कुछ ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला। हीट को काफ़ी कंट्रोल करके रखता है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाता, अराउंड 41 to 42 के आसपास जाता है, वो भी इतनी गर्मी में। ये चीज़ जो है इस फ़ोन का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस फ़ोन में लैग और फ्रेम ड्रॉप भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद कैमरे की बात करें तो बैक में 50 MP का मेन कैमरा दिया गया है, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा, और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इमेज जो है मेन कैमरे से ठीक ठाक निकाल कर दे देता है आउटडोर और इनडोर में भी, और कलर वगैरह भी ठीक ठाक है इसका। और पोर्ट्रेट शॉट की बात करें तो पोर्ट्रेट शॉट जो है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। पोर्ट्रेट शॉट से अगर आप इमेज निकालोगे तो पोर्ट्रेट शॉट में जो इमेज है उसमें थोड़ी सी डिटेल की कमी हो जाती है, तो पोर्ट्रेट शॉट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी हर कंडीशन में ठीक ठाक इमेज निकाल कर दे देता है बजट सेगमेंट के हिसाब से। और सेल्फी इसका मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, कलर वगैरह काफ़ी ठीक ठाक निकाल कर दे देता है, और पोर्ट्रेट शॉट भी इसका मेन कैमरे से ज़्यादा बेटर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि ये पहला फ़ोन होगा स्नैपड्रैगन 695 के साथ जिसमें 1080p में 60fps का सपोर्ट दिया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग में। वीडियो में किसी भी तरह का स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, और थोड़ी सी दिक्कत जो है मुझे देखने को मिली वीडियो रिकॉर्डिंग में, सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो जल्दी से उस पर फोकस नहीं कर पाता, काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब इसको हम 1080p 60fps पर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे फोकस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है 1080p 30fps के कंपैरिजन में। बाकी वीडियो में कलर वगैरह भी सही आ जाता है। ओवरऑल अगर इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो कैमरा जो इस फ़ोन का मुझे बहुत सही लगा प्राइस रेंज के हिसाब से, और जो भी कमी थी वो मैंने आपको बता दिया, अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो और भी बेटर हो जाएगा। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसको मैंने iQOO Z3 में जो प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 768G उससे कंपेयर किया है, और दोनों में मैंने रेंडर करके देखा, सेम लेयर सेम बिटरेट 1080p 30fps पे आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन 778G पहले रेंडर कर देता है स्नैपड्रैगन 695 से। इसके अलावा थ्रोटल टेस्ट भी करके देखा, जिप्स स्कोर आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन 695 यहाँ पर बाजी मार जाता है, और फ़ोन भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ इसके कंपेयर में। iQOO Z3 में हीट थोड़ा ज़्यादा है, और अगर आप ग्राफ देखोगे तो iQOO Z3 थ्रोटल कम किया है। इसके अलावा दोनों में BGMI ओपन करके देखा, और पहले iQOO Z6 में ओपन हुआ,
हर जगह पहले जो है आईक्यू Z3 में चल रहा था, बट ओपन जो है वो आईक्यू Z6 पहले कर दिया। इसके अलावा Geekbench स्कोर की बात करें तो आईक्यू Z6 में सिंगल कोर ज्यादा है और मल्टी कोर में आईक्यू Z3 ज्यादा है। तो स्नैपड्रैगन 695 जो है एकदम नेक टू नेक टक्कर देता है 768G को, और बजट सेगमेंट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 695 जो है वो बहुत अच्छा प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और वीडियो में आप देख सकते हो किसी भी एंगल से आपको ब्लैक नहीं दिखेगा और कलर वगैरह भी काफ़ी सही दिखता है, और YouTube पे आपको 1080p तक का सपोर्ट मिल जाता है। बस आपको अपने फ़ोन को गिरने उड़ने से बचा के रखना होगा, क्योंकि इस फ़ोन में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पांडा का प्रोटेक्शन है। और अगर आपने गुप्ता इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखी है तो उस वीडियो में आपने देखा होगा के 2 से 3 ड्रॉप में ही फ़ोन का डिस्प्ले चला जाता है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी फ़ोन में सही तरीके से वर्क कर जाता है, और कभी कभी किसी किसी टाइम जो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिटर कर जाता है। स्पीकर की बात करें तो सिंगल स्पीकर दिया गया है इस फ़ोन में, आवाज़ जो है इसकी ठीक ठाक है, बट डुअल स्पीकर होता तो और ज़्यादा बेटर होता। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन में 18 वाट के चार्जर के साथ, और बैटरी बैकअप जो है इस फ़ोन में आपको 7 से 7.5 घंटे के आसपास की मिल जाएगी। वैसे डिपेंड करता है कि आप फ़ोन में यूज़ क्या कर रहे हैं। बात करें इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं, तो 15,000 रुपये के बजट में अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो फिर आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। इस फ़ोन का कैमरा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 जो प्रोसेसर है इस फ़ोन में प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। बाकी डेली यूज़ में ही इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, डेली यूज़ में ये काफ़ी सही चलता है। और हाँ, गेमर के लिए ये फ़ोन नहीं है, जो एवरेज यूज़र है, एवरेज गेमिंग करता है दिन भर में 1.5 घंटा 2 घंटा, तो उसके लिए ये फ़ोन ठीक है। आप अगर इतना देर गेमिंग करते हो दिन भर में तो फिर आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आप अपने फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज 64GB है या 128GB है या फिर 256GB, जितना भी हो, आपका स्टोरेज जो है 25% हमेशा खाली रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है आप अपने फ़ोन में ना रखो। जिस एप्लीकेशन का आप यूज़ ही नहीं करते तो उसको तो आप डिलीट ही कर दो अपने फ़ोन से, और ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन जो है आप अपने फ़ोन में ना रखो। एक आध दो जो है वो चल जाएगा, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो बजट सेगमेंट का फ़ोन है और उसमें जो भी चीज़ दिया गया है वो बजट के हिसाब से दिया गया है। अगर आप उसमें ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन का यूज़ करोगे, ज़्यादा एप्लीकेशन रखोगे, तो फिर कुछ टाइम के बाद तो आपका फ़ोन स्लो हो ही जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ थी, इसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका फ़ोन जो है लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। सबसे पहला कि आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज 25% हमेशा खाली रहना चाहिए, ज़्यादा एप्लीकेशन का आपको यूज़ नहीं करना है अपने फ़ोन में, ज़रूरत से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रखना है, और ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में नहीं रखना है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।